अरे मम्मी इतना तेजी तेजी दौड़े यही अब हमें रुक बैठे रहनी है। दौड़े दौड़े जल्दी जल्दी नहीं भाग जाएगी। चलो भीड़ है भाई आज की ट्रेन में तो। ट्रेन आ रही इतनी खुशी। अरे वहाँ बिठा दिया। अरे वहाँ बिठा दिया। अरे वहाँ बिठा। अरे वहाँ बिठा देखी। अरे हमारे बच्चे हो इतना खुशी। इतना खुशी। 15 दिन हमसे दूर रही बिट्टू। नीक लगत रहा कि अले। हाँ कहत। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम गोरखपुरिया में। और बताइए आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड। तो आज हम जा रहे हैं रक्षाबंधन बांधने के लिए अपने माई के, ठीक है। और देख सकते हो हमारे इधर का रोड जो है पीछे, ये रेलवे लाइन है, इसके जस्ट बगल वाला जो रोड है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा टूटा फूटा है, पूरा गड्ढा गड्ढा हो गया, पानी भर गया है, जिसकी वजह से मुझे ये जो लाइन की पटरी है ना इसके ऊपर से जाना पड़ेगा। देखो क्या ही बताएं, इतना ज़्यादा हालत ख़राब है रोड की, आप सबको दिखा देंगे। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, एक दिन पहले मैं ऐसे आई थी कुछ दिन पहले, तो मैंने शॉर्ट वीडियो एक बनाया था कि हमारे यहाँ का रोड का हालत कितना ज़्यादा ख़राब है। ये जो डोमिनगढ़ स्टेशन है ना जस्ट उसके बगल वाली जो सड़क है वही बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जिसकी वजह से बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है हम लोगों को जाने के लिए, क्या ही बताएं। अब उस साइड से घूम के आए तब ना, और इधर से देखिए इधर से हम जा रहे हैं, देख सकते हो रेल की पटरी पर जा रहे हैं। वाह भाई, ऐसे आए कहूँ ट्रेन और ठोंक के चले जाए पतो नहीं चले। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है हमारे यहाँ की रोड की, इसलिए हम जा रहे हैं ट्रेन के पटरी से, ठीक है गाइस। तो माई के जाने की खुशी है। सुबह के अभी बज रहे हैं 6:30 हमारी ट्रेन है, तो वही पकड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बैक करके आप सबको अपने यहाँ का स्टेशन दिखाते हैं डोमिनगढ़ का, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो ये है लाइन की पटरी, इससे हम जा रहे हैं, और थोड़ा यहाँ से आपको नज़ारा दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये है रोड का नज़ारा, देख सकते हैं इसी तरह से पानी भरा हुआ है सड़क में, और इस पटरी से हम जा रहे हैं, ठीक है। देखिए वहाँ पर ट्रेन खड़ी है हमारी, और इधर से हम चल रहे हैं, ठीक है। देख सकते हो इधर से जाना पड़ रहा है भाई, क्या ही बताएं। पता नहीं कब हमारे पूरे दुनिया की सड़क बन गई, बस यही एक सड़क बना है, जो एक सड़क बचा है जो अभी तक बन नहीं रहा है। भैया कहिया बनवाइए हो, रवि किशन भैया जीत तो गए हो हमारे गोरखपुर से, अब तो बनवाए दो सड़क ही कम से कम। तो अभी हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पर, और हमारी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट थी, 6:30 ट्रेन थी और बहुत ज़्यादा लेट आई है 7:30, तो मुझे बहुत सारा टाइम मिल गया था, तो मैंने आज यहाँ पर ढेर सारा वीडियो बनाया है अपने स्टेशन पर। बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो बनाए हैं, सभी लोग देख रहे थे इसीलिए उतने अच्छे से बना नहीं पा रहे थे, क्योंकि स्टेशन पर काफ़ी लोग थे ना, सब लोग देख रहे थे, इसीलिए थोड़ा बहुत ऐसे ही मतलब डांस करके मैं कोशिश कर रही थी बनाने की, पर सब लोग जब देखते हैं ना तो नहीं बन पाता है अच्छे से जैसा चाहो। फिर भी बनाए हैं वीडियो, आप सब देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज का वीडियो कैसा रहा। ट्रेन आ चुकी है, उसको पकड़ने के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं बहुत तेजी से। अरे मम्मी इतना तेजी तेजी दौड़े यही अब हमें रुक बैठे रहनी है। दौड़े दौड़े जल्दी जल्दी नहीं भाग जाएगी। चलो भीड़ है भाई आज की ट्रेन में तो। हम लोग वीडियो बना रहे थे किनारे, और ट्रेन यहाँ बीच में रुकी थी, इसीलिए दौड़ के आना पड़ा ट्रेन को पकड़ने के लिए। और रक्षाबंधन है ना इसीलिए काफ़ी भीड़ चल रही है, फिर भी बैठने को सीट मिल गई थी, देखिए बैठ। फाइनली गाइस बस्ती स्टेशन पर उतर चुके हैं, और अब जा रहे हैं ऑटो पकड़ेंगे, उसके बाद पहुँच जाएंगे अपने घर, ठीक है। देखिए चल रहे हैं अभी यहाँ से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने मायके बस्ती में, देख सकते हो बस्ती आने की खुशी में कर रहे हैं डांस, रक्षाबंधन के एक दिन पहले आ गए हैं अपने मायके ना, इसीलिए ज़्यादा खुशी है, तो बहुत सारा वीडियो में बनाई हूँ रास्ते भर।
बारिश हमारे मनौरी में आ चुकी है। बाढ़ इस रास्ते से हम हमेशा जाते थे घर, लेकिन बाढ़ का पानी आ गया, भर गया सब। इसके लिए मुझे घूम के जाना पड़ेगा उस रास्ते से। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा दूर चक्कर लगाना पड़ेगा, तो चलते हैं अभी। इधर से जाना बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा कचरा है, पूरा पानी भरा है। चलो सड़क से चलते हैं सीधे। अरे इतनी खुशी, अरे वहाँ बिटल गया, अरे वहाँ बिटल गया, अरे वहाँ बिटल, अरे वहाँ बिटल गया, अरे हमारे बच्चे को इतना खुशी, इतना खुशी। 15 दिन हमसे दूर रही बिट्टू, नीक लग रहा है कि अले? हाँ कहती कहती नीक लागत रहा बिट्टू। तो हमें मुहात रही लाला, अपने बच्चे को, अपने बच्चे हुआ हम छोड़ दिए रे ना। ले मैया ले, तेर मित्तू चली हमारे साथ गोरखपुर का थी ना, दा मौसी साथ रह। अब जाबू तो हम भी तो हुए, तू हम नहीं चले गोरखपुर ना, हमें मुहात रही कहा तू मोहात रे लाला। मोहात रे मम्मी, अरे मम्मी तिली वाला आई रे, हम तो जानते ना रे तू हमें मुहावो कर ले। तो फ्रेंड, जब मैं बोलबम का मेला देखने के लिए 15 दिन पहले यहाँ पर आई थी और जा रही थी घर वापस मेला देख के, बिट्टू को बोलू बिट्टू चलो घर, तो कह रही नहीं हम नहीं जाएंगे, हम मौसी के साथ रहेंगे। उसके बाद इसको यहाँ पर छोड़ दिए थे और 15 दिन बाद आज मिले हैं। देख सकते हो कितनी खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है बिट्टू मेरी। पहली बार बिट्टू को इतना दिन के लिए अपने से दूर रखी थी, देख सकते हो 15 दिन बाद मिलने की इतनी खुशी। बिना बताए आए थे घर पे, बताए नहीं थे कि आ रहे हैं, और देख सकते हो कितनी खुश है बिट्टू मेरी। एकदम से सरप्राइज मिल गया बिट्टू को ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश है। बताई नहीं थी ऐसे अचानक ही आ गए, तो बहुत ज़्यादा खुश है बिट्टू मेरी। देख सकते हो 15 दिन बाद अपने मम्मी से मिल रही है, इतनी खुशी है क्या ही बताए। जल्दी जल्दी मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया, सोचे रिकॉर्ड कर ले। देख सकते हो मेरे मुंह पे कितना पसीना है गर्मी, उसको भी मैं नहीं पोछी। इतना दिन बाद जैसा लग रहा कितने बरसों बाद मिल रही है बिट्टू मेरी। यहाँ पर अपने मौसी और नानी के साथ रह रही थी आराम से, लेकिन अब 15 दिन हो गया ना, इसीलिए ज़्यादा। तो हम सोचे ठीक है चलो, अब अपने कहन बिट्टू चलोगी अब मेरे साथ गोरखपुर, तो कह रही हाँ चली बब। अब अपने मौसी के साथ ना ही रही हैं, देख सकते हो कितना खुश है मेरी बिट्टी, बहुत ज़्यादा खुश है।